हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गूगल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब को हम यूज करते हैं। हम जानते हैं कि कितनी पॉपुलर कंपनीज हैं। पिछले कुछ सालों से हम देखते आ रहे हैं कि इन कंपनीज ने कितना ज्यादा ग्रो किया है और अपने इन्वेस्टर्स को कितना ज्यादा कमा के दिया है। वेल, अगर आप भी इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि अब आप NSE IFSC के थ्रू इन कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। NSE IFSC NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ही एक होली ओन सब्सिडरी है, जो कि गुजरात की गिफ्ट सिटी में है। अब वो एक मौका दे रही है इन US कंपनीज में इन्वेस्ट करने का। अब कौन सी US कंपनी, क्या सभी कंपनीज में? तो आंसर इज नो। अभी टारगेट किया गया कि 50 कंपनीज में मौका दिया जाएगा इन्वेस्ट करने का, बट इनिशियली 3rd of March से 8 US कंपनीज में इन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। अब वो कौन सी 8 US कंपनीज हैं उनके नाम जान लेते हैं। तो उसमें आती है अल्फाबेट, यानी कि गूगल, अमेजोन, वॉलमार्ट, मेटा प्लेटफॉर्म्स जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब आ जाते हैं, टेस्ला, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल। इन सभी 8 कंपनीज में अब आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए हमें डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। तो हो सकता है आपके पास ऑलरेडी भी एक डीमैट अकाउंट हो। तो अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप जस्ट इतना चेक कर लीजिए कि आपका ब्रोकर NSE IFSC के पास रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर नहीं है तो आप उस कंपनी में अपने उसी डीमैट अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि NSE IFSC रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास अगर डीमैट अकाउंट है तभी आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाएंगे। बाकी कोई दिक्कत की बात भी नहीं है, क्योंकि अराउंड 35 से ज्यादा ब्रोकर्स ऑलरेडी वहां रजिस्टर्ड है, एंड अपस्टॉक्स, ज़ीरोधा जैसे बड़े ब्रोकर जो कि वहां पर अभी नहीं है वो भी ट्राई कर रहे हैं कि जल्द वो भी वहां पर आ जाएंगे। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने का, ट्रेड करने का टाइमिंग इंडियन स्टॉक मार्केट वाला नहीं होने वाला, वो US के अकॉर्डिंगली होने वाला है। एंड इंडिया की बात करें तो रात के 8 बजे से लेकर सुबह 2:30 बजे तक का वो टाइम बैठेगा जब आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अब जब आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे तो यहां पर आपको शेयर्स नहीं मिलने वाले, बल्कि रिसीट्स मिलने वाली हैं। बट ऐसा क्यों? बिकॉज ये US की कंपनीज इंडिया में लिस्ट नहीं होने वाली, ये US में ही लिस्टेड है। तो इस रीजन से हमें उनके शेयर्स नहीं मिलेंगे बल्कि उनकी रिसीट्स मिलेंगी, एंड ये रिसीट्स भी उन शेयर्स के फ्रैक्शंस में मिलेंगी। लाइक टेस्ला की बात करें तो टेस्ला के लिए 100 का डिसाइड किया गया। अब टेस्ला का शेयर अराउंड $800 के अराउंड है, ठीक है। अब उसके 100 फ्रैक्शंस में हम खरीद सकते हैं। इसका मतलब कि 800 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि उसका 100th हिस्सा जो कि $8 हुआ, हम सिर्फ $8 लगा के टेस्ला की एक रिसीट ले सकते हैं। अदरवाइज $800 एक ही इंसान के लिए लगाना मुश्किल भी हो सकता है, लाइक सबके पास इतने फंड्स नहीं होते। तो सिंपली $8 के साथ आप उसका एक रिसीट ले सकते हैं। अब टेस्ला के लिए 100 फ्रैक्शंस डिसाइड किया गया, उसी तरह से बाकी कंपनीज के अलग अलग डिसाइड किया गया है। अब लाइक टेस्ला के लिए 100 का फ्रैक्शन डिसाइड किया गया, इसका मतलब कि 100 रिसीट्स ऑफ टेस्ला इज इक्वल टू 1 शेयर ऑफ टेस्ला। अब इसका सेटलमेंट साइकिल की बात करें तो वो T+3 होने वाला है। इसका मतलब कि अगर आप आज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 3 दिन बाद वो रिसीट्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएंगी। और सेम केस होगा अगर आप सेल आज कर रहे हैं तो 3 दिन बाद वो अमाउंट जो आपका सेल अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो T+3 यहां पर फॉलो किया जाएगा। अब आपको यहां पर शेयर्स नहीं मिलने बल्कि रिसीट्स मिलेंगी, तो क्या आपको डिविडेंड, बोनस सब नहीं मिलेगा? तो आंसर इज येस, ऑफ कोर्स मिलेगा आपको। आपको कॉर्पोरेट एक्शंस जो भी होंगे उन कंपनीज के आपको सब मिलेगा, लाइक आपको बोनस का भी फायदा मिलेगा, डिविडेंड भी मिल रहे हैं तो आपको दिए जाएंगे। अब एक पॉइंट आता है कि आप मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो RBI की LRS स्कीम कहती है कि इंडिया के बाहर एक ही साल में अराउंड आप $2.5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो या एक्सपेंडिचर कर सकते हो, उससे ज्यादा का नहीं। तो यहां पर भी वही लिमिट लग जाएगी, $2.5 लाख तक की अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं यहां पर। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आप अगर इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको जरूर जान लेनी चाहिए। आई थिंक आपको सब समझ भी आया होगा। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं जरूर उसका आंसर दूंगा। बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना, और अपने सभी फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको जरूर शेयर कर देना ताकि वो भी जान सके। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।